दोस्तों, बिंदास हरियाणा पर आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप भी सैल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मारी छोरी छोरों से कम नहीं। जी हाँ, ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा की एक बेटी ने जिनका ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ। 14 ऑपरेशन होने के बावजूद भी 1 साल बेड पर रही, शादी टूट गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ऐसा कहा जाता है कि यदि शिद्दत से पत्थर फेंका जाए तो आसमान में भी छेद हो सकता है, और ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा की इस बेटी ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी पास करने वाली प्रीति बेनीवाल की सक्सेस स्टोरी की। प्रीति बेनीवाल का बचपन से ही सपना था कि वो आईएएस बने, लेकिन सोचा नहीं था कि इन हालात में पूरा होगा। हम आपको बता दें कि प्रीति बेनीवाल की कहानी किस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशन देने वाली है। फरवरी 2016 में मतलौडा ब्लॉक के एक गांव में शादी हो गई थी। इसके बाद दिसंबर 2016 में FCI की डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए गाजियाबाद में एग्जाम देने के लिए प्रीति जा रही थी, तो उसी दौरान गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक पैर फिसलने से ट्रेन के आगे आ गई। ट्रेन के 3 कोच शरीर के ऊपर से गुजर गए, बाईपास सर्जरी हुई और अन्य 14 ऑपरेशन हुए। वह बेड पर आ गई तो चलने फिरने के योग्य नहीं रही। ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया। जब ससुराल ने साथ छोड़ दिया तो ठान लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपना आईएएस बनने का सपना जरूर पूरा करना है, और इसी बात को मन में लेकर, इसी बात का प्रण लेकर वो आगे बढ़ती रही, मेहनत करती रही, अपनी समस्याओं से पार पाती रही। करीब 1 साल तक वह बेड पर रेस्ट करती रही। नौकरी के दौरान यूपीएससी की तैयारी का समय नहीं मिल पाया था। बेड रेस्ट के दौरान यूपीएससी की तैयारी ची जान से की। पहली बार परीक्षा दी तो निराशा हाथ लगी, दूसरी बार में केवल प्री क्लियर हो पाया। 2020 की परीक्षा दी तो यूपीएससी अब क्लियर करके दिखा दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि जिंदगी में अगर कुछ करके दिखाना है तो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से वो बात यहाँ पर बिल्कुल स्टिक बैठती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और प्रीति बेनीवाल का यही हौसला उनको यूपीएससी में सफलता दिलाने में सबसे कारगर साबित हुआ। यूपीएससी क्लियर करने वाली प्रीति बेनीवाल का सक्सेस मंत्र भी आइए अब हम आपको जरूर बताते हैं। मुख्य रूप से उनके 5 मूल मंत्र थे सक्सेस मंत्र के नाम से, जिनको वो अपने जीवन में ढाल बनाकर आगे बढ़ती रही। पहला, गिव अप नहीं करना कभी भी, जुनून होना चाहिए। जी हाँ, उनका कहना है कि गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। दूसरा उनका मूल मंत्र है बेसिक मजबूत होना चाहिए। जी हाँ, जब आप इसकी तैयारी करती हैं तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। और तीसरा उनका मूल मंत्र है एक एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। जी हाँ, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए। कम से कम 14 से 16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और पांचवा उनका मुख्य मूल मंत्र, टारगेट पर फोकस बेहद जरूरी है। जी हाँ, ये 5 मूल मंत्र हैं यूपीएससी क्लियर करने वाली प्रीति बेनीवाल की, जिन्होंने सक्सेस स्टोरी रच के इतिहास रच दिया। और साथ ही साथ जो लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, जो लोग अपना हौसला हार जाते हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम की है। वहीं अगर हम उनके परिवार की बात करें, उनके जीवन की सफर की बात करें, सपना बचपन से ही आईएएस बनने का था, लेकिन सोचा नहीं था इन हालात में पूरा होगा। प्रीति बताती है कि बचपन से ही उनका सपना सिविल सर्विस में जाने का था, लेकिन ऐसे हालातों में सपना पूरा होगा ये सोचना तो दूर ख्याल तक नहीं था।
2013 में एमटेक करने के बाद ग्रामीण बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई। 2013 से लेकर 2016 तक बहादुरगढ़ में नौकरी की। इसके बाद 2016 में एफसीआई में असिस्टेंट जनरल 2 के पद पर चयन हुआ। 2016 से लेकर जनवरी 2021 करनाल में एफसीआई में नौकरी की। जनवरी 2021 में उनका चयन विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन अफसर के पद पर हुआ। फिलहाल वह दिल्ली विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जी हाँ, ये कहानी है उस हरियाणा की बेटी की जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। प्रीति बेनीवाल को बिंदास हरियाणा ही नहीं पूरा देश सैल्यूट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।